मैं तो ये भी सोचता हूँ, अगर मैं बैठा था यहाँ पे, मैंने भी एजुकेशन लिया है, मैं जब एजुकेशन लेता था, तालीम लेता था, तब का दौर और आज का दौर, इसमें जमीन आसमान का फर्क गिर गया। ऐसा बोला जाता है कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट बट चेंज। ये चेंज तुमने आत्मसात नहीं किया तो तुम पीछे रह जाते। एक दौर था जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, मेरे माँ बाप से मेरे बात करनी पड़ती थी, तो मैं एसटीडी सेंटर पे जाता था, टेलीग्राम ऑफिस पे, वहां पे बुद्ध भी नहीं थे एसटीडी। आज से 30-35 साल पहले की बात है, बहुत ज्यादा लंबा अरसा भी नहीं। हम लोगों को हमारे माँ बाप से बात करनी रहती थी तो हम नंबर लगाते थे, टेलीग्राम ऑफिस में बैठे रहते थे, 3-3 घंटे लगते थे 250 किलोमीटर दूर बात करने के। तब कोई हमको बताता था कि 15-20 साल के बाद में ऐसा दौर आएगा कि जिसके तुम्हारे को 1 सेकंड में बात करेंगे, सिर्फ 250 किलोमीटर नहीं, दुनिया में कहीं भी बात करने के रहे तो तुम 1 सेकंड में बात करते रहेंगे, तो हम उसको बुरा बोलते थे, ऐसा समझते थे। और उसके ऊपर जाके उसने ये बता दिया रहता हमको तब कि सिर्फ बात ही नहीं कर सकते आप तो 15 साल में उसका चेहरा भी देख सकते हो, क्या बोल रहा तुम देख सकते हो, फिर तो हमारे इमेजिनेशन के बाहर हो जाता था। ये भी दौर हमने देखा है दोस्तों, ये आज का भी दौर, हमने ये दोनों का ट्रांजिशन देखा है। ये सिर्फ मैंने एक क्षेत्र का ट्रांजिशन बताया, ऐसा एजुकेशन में भी हुआ। हमारे साथ में जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए बच्चों में कुछ मराठी मीडियम से आए थे, जिनको सेल माने पेशी, ये सीखते सीखते बच्चों को तकलीफ होती है। सारा हायर एजुकेशन इंग्लिश में है, बच्चों को आगे जाना है, खुद का सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, कहीं पे भी जाके दो बातें करनी है, तो अपने को इंग्लिश के सिवा दूसरा चारा है। हाँ एक बात पक्की है, और ये एजुकेशन सोसाइटी ने आदम ख्याल रखी है, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद दूंगा। विद द चेंज विद द टाइम एवरीबडी हैज टू चेंज, बट एक बात ये सोसाइटी में बदली नहीं, वो कल्चर, जो अपने संस्कार है वो संस्कार को साथ में लेते हुए तालीम देते रहना। जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे आत्मसात करके बच्चों को देना, ये ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे भी ह्यूमन मैनकाइंड आदमी को 4-5 चीज़ें सालों से सता रही है, एक तो अज्ञान है, एक तो अस्वच्छता है, एक अनारोग्य है, यानी अस्वच्छता है इसलिए ही हेल्थ के प्रॉब्लम है, इसके बाद में गरीबी है, बेरोजगारी है, इन सब के ऊपर मात करने वाली कोई चीज़ होगी तो वो एजुकेशन है। इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।